Let's go. तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना, जिससे कि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम एप्लीकेशन में जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर प्लस का आइकन दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको रील्स पर जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर इफेक्ट का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर सर्च बार है, उस पर लिखना है आपको टीफी TIFFY। जो आपका ये पहला वाला ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करना है, ठीक है। फिर इसको आपको सेव कर देना है यहाँ पर क्लिक करके। फिर आप वापस बैक जाइए। इसके बाद आपको यहाँ पर प्लस का आइकन पर क्लिक करना है। फिर वहाँ से आपको ब्लैक कलर का स्क्रीन लेकर के आना है। उसका लिंक भी मैं आपको अपने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए, ब्लैक कलर का स्क्रीन आने के बाद आप यहाँ पर ऐड पर क्लिक कीजिए, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर प्रीव्यू पर क्लिक कीजिए, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पर आप ये वाला इफेक्ट लगा दीजिए, ठीक है। देखिए, आपका इफेक्ट लग जाने के बाद ऐसे दिखेगा। फिर आप इसको डन कर दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर डाउनलोड वाला ऑप्शन देख रहे हैं, उस पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। ये हो जाने के बाद वापस से बैक जाइए। इसके बाद आपको यहाँ पर प्लस का आइकन पर क्लिक करना है। फिर वहाँ से आपको जो भी फ़ोटो आप लगाना चाहते हैं, खुद का फ़ोटो या किसी का भी फ़ोटो, उस फ़ोटो को लेकर के आ जाइए। देखिए, ये वाला फ़ोटो आ जाने के बाद आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे सेट कर देना है। आप अपने हिसाब से थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, ऐसे जूम कर लिए। उसके बाद आप इसको ऐड कर दीजिए। ऐड होने के बाद आपको यहाँ पर प्रीव्यू पर क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर इफेक्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये वाला इफेक्ट को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। देखिए, आपका ये ऐसा बनकर रेडी हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर इसको डन कर लीजिए, ठीक है। फिर इस वीडियो क्लिप को भी आप डाउनलोड कर लीजिए, ये डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग वापस बैक जाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर VN एप्लीकेशन में आना है। ये एप्लीकेशन ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर नीचे पे प्लस का आइकन दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। फिर आपने जिस वीडियो क्लिप को अभी बनाया है उस वीडियो क्लिप को सेलेक्ट करके लेकर के आना है। मैं लेकर के आ जाता हूँ। देखिए, ये वाला आपका आ जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ऊपर वाले म्यूजिक का जो आइकन दिया हो उस पर क्लिक करना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर म्यूजिक पर जाना है। फिर मैं आपको एक म्यूजिक का वीडियो दे दूंगा, उस वीडियो को आपको लेकर के आना है। उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको अपने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर प्लस पर क्लिक कीजिए, ठीक है। फिर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो, उस पर क्लिक कीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पर आप उस वीडियो को लेकर के आ जाइएगा, ओके कीजिए। इसके बाद आपका वीडियो क्लिप में से वो म्यूजिक निकल के आ जाएगा, आप यहाँ पर इसको चूज कर लीजिए। फिर यहाँ पर ओके कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे सबसे बैक में जाना है। ये जो आपका वाटर मार्क है इसको सेलेक्ट कीजिए, फिर इसको डिलीट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप म्यूजिक के हिसाब से इसको थोड़ा सा छोटा बड़ा कर दीजिएगा, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करके कर लीजिएगा। मैं जल्दी से करके बता देता हूँ आपको सिर्फ, ठीक है। ये होने के बाद आपको फिर क्या करना है, इसको ये सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर एफेक्ट्स पे जाना है, ठीक है। फिर यहाँ पर आप बाउंसिंग वाला कोई सा इफेक्ट लगा दीजिए, ठीक है। मैं बाउंसिंग वाला इफेक्ट कोई सा लगा देता हूँ। देखिए, ये वाला मैं लगा देता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा आगे कर दीजिए यहाँ पे, फिर ओके कर दीजिए, ठीक है। ये होने के बाद आपको क्या करना है, आगे में जाना है। फिर आगे में इसको वापस से सेलेक्ट करना है, यहाँ पर एफेक्ट्स में जाना है। उसके बाद यहाँ पर आप ये वाइट वाला इफेक्ट है इसको लगा दीजिए, ठीक है। अभी आप इसको यहाँ पे पूरा कवर कर दीजिए इसको, ठीक है। ये पूरा कवर कर दीजिए, फिर इसको ओके कर दीजिए, ठीक है। अब मैं इसको एक बार प्ले करके दिखाता हूँ। ठीक है, आपका ये वाला पूरा अगर वीडियो बन जाएगा तो आप अपने वीडियो की क्वालिटी के हिसाब से यहाँ पर इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये एक्सपोर्ट वाले बटन पर आप क्लिक कीजिए, ठीक है। यहाँ पर ये रिसोल्यूशन आप 1080 कर दीजिए, इसको 60fps कर दीजिए। इसके बाद आप यहाँ पर इसको क्लिक करके इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया रहेगा, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना, जिससे कि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।